हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का प्रश्न था कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का एडमिशन कब से शुरू होगा, तो इसको लेकर एक अपडेट आई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट ने ही मुझे अपडेट दिया है और काफी स्टूडेंट ने अपडेट दिया है कब से एडमिशन शुरू होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करें कि अभी जो सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट है DV है, वो आपका 1 नवंबर तक होगा। DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेकंड राउंड वाले का 1 नवंबर तक होगा, तो कोई भी स्टूडेंट अगर बच गया है तो 1 नवंबर तक जाकर जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। एक और आप लोगों का डॉट है जो पर्सनली मुझे कुछ शेरनियों ने कॉल किया और बोला कि सर जी फर्स्ट राउंड में हमारा DV हो गया था, तो क्या सेकंड राउंड में भी DV करवाना है? जी हाँ, इस चीज को आप लोग मत इग्नोर करना भाई। अपग्रेशन अगर आपने किया था, ध्यान देना, अगर आपने अपग्रेशन किया था और सेकंड राउंड में बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट कि वही कॉलेज मिला है सर, वही पर फिर DV है सर, तो क्या हमें दोबारा जाना पड़ेगा? जी हाँ, अपग्रेशन अगर आपने कर दिया था तो आपको सेकंड राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बच गया आपके आसपास, और आप लोगों का भी काम है बाबू कि जो इस तरीके के स्टूडेंट हैं उनको जरूर इन्फॉर्म कर दें कि हाँ DV कराना है। अगर आप लोग DV नहीं करवाइएगा ना तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं होगा, तो DV बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक लड़की थी उसका DV फर्स्ट राउंड में छूट गया और वो भी GNM कोर्स मिला था। सोचिए प्राइवेट से GNM करने में 6-7 लाख लगता है, सरकारी से कोई पैसा नहीं लगता, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, स्टाइफंड भी मिलती है, हॉस्टल भी मिलती है। वो लड़की रो रही है, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, उनके भैया कॉल किए थे, बोल रहे थे सर कोई उपाय है, तो आप BCC बोर्ड में ऑफिस में कॉल करिए, चाहे किसी को कॉल करिए बाबू, कुछ यहां पे नहीं हो सकता है। तो आप लोग अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं सारा अपडेट यहां पे देता हूं। मैं फर्स्ट राउंड में भी बार-बार बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और ऐसा नहीं था भाई कि किसी का रिपोर्टिंग सेंटर देखो। मैंने बताया था फर्स्ट राउंड में कि जिनका रिपोर्टिंग सेंटर 6 तारीख है, मान लो 7 तारीख है, अगर वो 6-7 को नहीं गए हैं तो कभी भी जा सकते हैं। जैसे किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर 28 तारीख को था, 28 तारीख के नहीं गए, तो आप कभी भी जाके करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर तक डेट है, अगर आपका रिपोर्टिंग सेंटर 29 तारीख को, आप 29 को नहीं गए, 30 को जाइए, 31 को जाइए, या फिर 1 नवंबर को जाइए। तो मैंने फर्स्ट राउंड में भी बताया था कि जिनका रिपोर्टिंग सेंटर, जैसे रिपोर्टिंग सेंटर किसी का था, किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो फर्स्ट राउंड वाले का जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कभी भी किसी भी दिन जाके करवा सकते हैं। वो भीड़ एक दिन ना हो बाबू, उसके लिए वो क्या करता है कि सारे स्टूडेंट को एक अलग अलग डेट पर बुलाता है। बट अगर आपका छूट जाता है तो भी मैंने बताया था कि आप DV जाके कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है? और वो लड़की का छूट गया, तो इस तरीके की गलती मत करिए आप लोग। जिनका भी अपग्रेशन था, सारे स्टूडेंट का सेकंड राउंड में भी DV होगा, तो करवा लीजिए जो नहीं करवाए हैं, ठीक है? जो नहीं करवाए हैं 1 नवंबर के पहले, आप सभी स्टूडेंट DV जरूर करवा लीजिएगा। जिनका भी बचा हुआ अभी भी 30, 31 और 1 तारीख है, 3 दिनों के अंदर में कभी भी जाके जरूर से जरूर अवश्य करवा लीजिएगा। अब हम बात करें कि एडमिशन कब से होगा, तो कुछ स्टूडेंट ने ही मुझे अपडेट दिया है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि मुंह सूख रही है। चलिए मैं सारा अपडेट आपको करने का प्रयास करता हूँ बाबू, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करें बाबू कि कब से एडमिशन होगा, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को अपडेट दिया है, और सारा अपडेट मैं जिस भी कॉलेज में शुरू होगा एडमिशन, मैं यहाँ पे आके सारे कॉलेज का बता दूंगा। यहाँ पर देखिए एक शेरनी है, मैं हाइड कर देता हूँ इनका। यहाँ पर देखिए मैसेज, यहाँ पे देख सकते हैं, सर जब मैंने GLNMCH कॉलेज में कॉल किया, नंबर कहाँ से मिलेगा बाबू? तो मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं, 475 कॉलेज का नंबर मेरे पास है भाई, ठीक है? उसमें अगर आप लोगों को ये नंबर कैसे मिलेगा, तो 95 70 64 25 12, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके किसी भी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो इनको भी मैंने ही नंबर प्रोवाइड किया था, और सारे स्टूडेंट को नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप एक बार इस पर मैसेज कर लीजिएगा, मैसेज करके जिस भी कॉलेज का चाहिए उस कॉलेज का हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अब बात रही कि किस कॉलेज में एडमिशन शुरू हुआ है, तो आप डेट आया है एक एडमिशन को लेकर, देखिए मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। सर जब मैंने GLNMCH कॉलेज में कॉल किया, तो सर कॉल रिसीव किए और वो बोल रहे थे कि GNM स्पेशल है एंड आपको 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जाएगा और 6 नवंबर को कॉल जाएगा।
कॉलेज वालों ने बोला है कि 4 और 6 नवंबर को कॉल किया जाएगा, तो कॉलेज वाले ने बोला है बाबू कि 4 या 6 को। देखो भाई, 1 नवंबर तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, डीवी है। 2 नवंबर को होगा नहीं, 1 को तो खत्म होगा, 2 को होगा नहीं, 3 को नहीं होगा, तो यानी 4 तारीख से कुछ स्टूडेंट को नोटिफिकेशन कॉलेज वाले करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, अभी डीवी होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सारे कॉलेज में चला जाता है आपका, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका वो सारे कॉलेज में जाएगा जहां भी आप एडमिशन लिए हो, और जो माइग्रेशन है वो चला जाएगा बोर्ड ऑफिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका प्रोसेस होगा बाबू, जिसमें कि 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। कितना दिने का? 2 से 3 दिनों का समय लगेगा, डेज लगेगा, 2-3 डेज। अगर 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होता है तो कम से कम 2 से 3 दिन, यानी कि 4 या 5 तारीख से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन कॉलेज के तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं जरूर आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। 4 या 5 नवंबर से बहुत सारे कॉलेज से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और उसके बाद हो सकता है कि 6-7 तारीख से, 6-7 नवंबर से बहुत सारे कॉलेज से आपको कॉल देखने को मिल जाएगा, जो कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे, ठीक है। 6-7 नवंबर से लगभग सारे कॉलेज, जहां जहां नवंबर में एडमिशन होगा, सारे कॉलेज में मैंने पहले भी बताया कि एडमिशन नवंबर में नहीं लेगा बाबू, कुछ कॉलेज नवंबर में लेगा, कुछ कॉलेज दिसंबर में लेगा, कुछ कॉलेज जनवरी में भी लेगा, बिल्कुल लेगा। तो नवंबर में ऐसा नहीं कि नहीं एडमिशन होगा, नवंबर में भी एडमिशन होगा। अब किस कॉलेज का होगा तो ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या आप, मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके भी अपडेट ले सकते हो। बाकी सारे कॉलेज का कॉन्टेक्ट नंबर मैं व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस भी कॉलेज का आपको चाहिए। तो हम लोग बात करें बाबू कि 6 या 7 नवंबर से लगभग सारे कॉलेज जो भी नवंबर में एडमिशन लेने वाले हैं वो कॉलेज आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अब बात कर ले बाबू कि जो भी स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते व्हाट्सएप करके ले लेंगे, और अपने कॉलेज में कॉल करके इंक्वायरी ले लेंगे। जैसे ही जिस भी कॉलेज में शुरू होगा, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दूंगा कि हाँ, इस कॉलेज वाले स्टूडेंट अपना जाके एडमिशन करवा लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एडमिशन के समय भी कुछ लगेगा क्या, और कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में भी एक वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि एडमिशन के समय कितने चार्जेस लगेंगे और एडमिशन में आपको क्या क्या मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट होंगे, ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा भाई, आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाता हूं। क्योंकि भाई आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड में बदलेगा, है ना। तो आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आपके लिए हमेशा मैं मदद करता रहता हूं और करूंगा भी। क्लासेस भी पैरामेडिकल 2024 का शुरू है बाबू, 7:00 और रात 8:00, जो 2024 के तैयारी करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे एडमिशन के समय कितने फी लगेंगे, किस कोर्स में। चलिए, तो पैरामेडिकल में तो बहुत सारे कोर्सेज है बाबू, पर मैं आपको एक बता दूं कि कौन से कोर्स में कितना लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं जीएनएम कोर्स का, सारे कोर्स का मैं बता देता हूं आपको। जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, जीएनएम कोर्स में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, सारे कॉलेज का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रूल है, अलग अलग फी होता है, पर हम लोग एक एक्सपेक्टेड मानेंगे कि कितना लगेगा। तो जीएनएम कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड बाबू आपको मिनिमम 6,000 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, अधिक से अधिक आपको बाबू कोशिश करना है। मैंने इंक्वायरी कर लिया है, इस वर्ष फी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, अगले वर्ष से कंपेयर में इस वर्ष ज्यादा लगेगा, हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है, 800-1000 बढ़ जाता है। तो 6,000 से लेके मिनिमम 10,000 रुपया तक आप लोगों को लग सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, अगर आपका अच्छा कॉलेज है, सारे कॉलेज अच्छे हैं, 26 कॉलेज है, सारे बेहतरीन कॉलेज है, पर डिपेंड करता है कि अच्छा में से भी अच्छा कॉलेज, जैसे जो टॉप के कॉलेज है पीएमसीएच, एनएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, एनएमसीएच गया का, तो ये सब जो टॉप कॉलेज है, जहानाबाद जो मेरे एरिया में ही पड़ेगा, तो ये सारे कॉलेज में आपको फी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा 1,000 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो मान सकते हो कि अगर पीएमसीएच का कोई स्टूडेंट है तो उसको 9,000-10,000 रुपया लग जाएगा, अगर कोई बांका का है, अगर कोई दूसरे जीएनएम कॉलेज में है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको भी 8,000-7,000 तो लगेगा ही। मिनिमम आपको 6,000 से लेके 10,000 तक रुपया लग सकता है जीएनएम कोर्स के एडमिशन के समय, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि पैसा थोड़ा लेकर जाइएगा, एटीएम ले लीजिएगा, अब तो ऑनलाइन है, सब कुछ हो जाता है। अब जो स्टूडेंट के
पास बोलेंगे कि सर हमारे पास पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको बाबू क्वार्टर भरने का या फिर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको पेड कर दीजिए और जो ड्यूज है उसको बाद में भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना भी अगर पैसा मानते हैं कि आप 5,000 दिए, जो पैसा नहीं आपके पास फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन में कोई इशू नहीं आएगी। जितना भी पैसा है उतना पेड करिएगा, बाकी ड्यूज में रहेगा। एडमिशन में जो भी पैसा लगेगा वो रिफंडेबल होता है, मतलब बाद में लौट जाता है। मेरे को जानकारी नहीं बट स्टूडेंट बोलते कि सर ये पैसा एक फॉर्म के द्वारा सरकार गवर्नमेंट जो होती है वो लौटा देती है, ठीक है। अब बात कर ले कि जीएनएम का आप लोगों को इतना लगेगा जबकि एनएम का उतना नहीं लगता है, ठीक है। एनएम का बात करें तो एनएम का उतना पैसा नहीं लगेगा बाबू एडमिशन के समय आप लोगों का। एडमिशन के समय कितना लग जाएगा, तो जो एनएम वाले हैं उनको लगभग 3500 रुपया से लेके उनको 6000 रुपये के बीच में ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब 4-5 हज़ार रुपया लगेगा एडमिशन के समय एनएम वालों का, ठीक है। इससे आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है एक्सपेक्टेड, क्योंकि बाबू कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेड हम लोग बताते हैं, जरूरी नहीं कि बोल दिए तो 6, हो सकता है किसी किसी कॉलेज में 7 भी ले ले, पर 7 नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा कम संभावना है क्योंकि 6000 ज़्यादा है, 4000-5000 लगता है बाबू, 4000-5000, तो 1000 मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, 3500 मिनिमम लग ही जाएगा आपको, 3500 से कम कोई कॉलेज नहीं लेगा। तो ये तो एनएम का बात हो गया। अब अदर कोर्स है बाबू जिसमें फार्मेसी होता है, एक फार्मेसी है बाबू, तो फार्मेसी वाले में आप लोगों को 7000 रुपया लग जाएगा, मिनिमम 7000 से लेके हो सकता है कि 10000 के बीच में इसमें भी पैसा आपको लग जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस है भाई, 2-3 साल से करवा रहे, काफ़ी स्टूडेंट हैं उन्हीं से पूछे हैं, बहुत सारा स्क्रीनशॉट है, पर अटैच करने से कोई फायदा नहीं है, सारी नॉलेज है मेरे को। तो फार्मेसी में आपको 7000 बहुत है, 8000 लगता है, 10000 तक लेकर जाइएगा एडमिशन हो जाएगा, जीएनएम हो एनएम हो, एनएम वालों का कम लगता है 4-5000 लगता है, तो आप लोग 5-6 हज़ार लेकर जाइएगा हो जाएगा। और अगर पैसे का कोई इशू आता है तो वहां पे डीज लिख देगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी जो कोर्सेस है, ओटी है, लैब टेक्नीशियन है, फिर आपका फिजियोथेरेपी है, फिर आपका अनस्थेसिया है, ईसीजी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, बहुत सारा कोर्स है बाबू, कितना बताया है ना, तो जो भी कोर्स है, फिर आपका कौन सा कोर्स है, जितना भी टोटल बच गया बहुत सारा कोर्स है, तो वो सारे कोर्सेस वाले 5000 रुपया तो कम से कम लेकर जाएंगे और अधिक से अधिक 8000 तक लग सकता है, 5000 से 8000 तक आपको लग जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ओटी है, लैब है, फिजियोथेरेपी, अनस्थेसिया, ईसीजी हो गया, ओटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, बहुत सारा कोर्सेस है आपका, ऑप्टोमेट्री, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट हो गया, बहुत सारा है, फिर प्लास्टर टेक हो गया, फिर आपका क्या हो गया बाबू, बहुत सारा कोर्स है, याद होनी पड़ेगा, इतना सारा ही समय कोर्स है। तो जितना भी बाकी जो कोर्सेस बच गए, फिर आपका ब्लड ट्रांफ्यूजन हो गया, तो जितना भी कोर्स है वो सारे कोर्सेस में आपको 5000 से लेके 8000 के बीच में लग सकता है, ठीक है। तो ये तो एडमिशन के समय आपको फी इतना लगेगा। एक और डॉट पूछ रहे थे स्टूडेंट कि सर हॉस्टल मिलेगा क्या, तो देखो भाई मैं एक बार फिर से आपका डॉट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बस 2 मिनट का आपकी कीमती समय बर्बाद करूंगा, चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर भी कर देना सब लोग, ताकि जो स्टूडेंट अपडेट नहीं ले पा रहे उनको अपडेट कर देना, ठीक है, क्योंकि एडमिशन आपका बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सारे कॉलेज में नहीं होगा, पहले भी मैं बता दिया भाई, सारे कॉलेज में नहीं होगा बट बहुत सारे कॉलेज एडमिशन के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जीएनएम में क्या पढ़ना होता है, एनएम में क्या पढ़ना होता है, सिलेबस क्या होता है, सेमेस्टर वाइज बता दीजिए, तो थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को, मैं आपको बहुत जल्द उसका भी वीडियो बना दूंगा। और पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इस कोर्स के करने के बाद सैलरी क्या होती है, कहाँ कहाँ जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, क्या ये कोर्स सही है या नहीं है, तो सारे कोर्सेज के बारे में मैं एक एक कर करके वीडियो लाऊंगा, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बात कर ले हॉस्टल कहाँ कहाँ मिलता है बाबू, हॉस्टल देखिए इसको लेकर काफ़ी आप लोग डॉट में रहते हैं और मेस को लेकर, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, हॉस्टल और मेस के बारे में। देखिए बाबू हॉस्टल की बात करें तो जीएनएम के 26 कॉलेज हैं बिहार में, ठीक है, और टोटल 1532 सीट है, इतना ही लगभग है, थोड़ा सा इस बार 1472 पिछले वर्ष था, इस बार 60 बढ़ गया, पीएमसीएच ऐड हो गया है, तो 1532 होगा, लगभग यही होगा। आगे बात करें एनएम का बाबू, तो एनएम का कितना कॉलेज है, 73 कॉलेज है बिहार में और टोटल सीट है 4530, ठीक है, गवर्नमेंट सीट है इसमें। तो जीएनएम और एनएम, सॉरी भाई
जीएनएम और एनएम की, जीएनएम और एनएम सिर्फ गर्ल्स कर सकती है ना, कोर्स कौन कर सकते हैं जी, सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं ना। तो ये कोर्स में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्टल सारी लड़कियों को मिल जाता है अगर आप एनएम करेंगे, चाहे कोई भी कॉलेज हो, 73 कॉलेज में हॉस्टल है और जीएनएम के सारे कॉलेज में हॉस्टल है और एनएम में भी हॉस्टल आपको मिल जाएगा। और ये हॉस्टल एकदम बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, हॉस्टल जो होता है फ्री होता है। क्या लड़कों को भी मिलता है? तो लड़का और लड़की दोनों जो कोर्सेस कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं ये सारे कोर्सेस। जैसे मैं बाबू फार्मेसी सबसे पहले मैं बात करूं, तो फार्मेसी का 5 कॉलेज है बाबू, आप लोगों को पता है, और ये 5 कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा। फार्मेसी के 5 कॉलेज है, 300 सीट है आपका, सारे कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब किस किस कोर्स में मिलेगा? तो जिस भी कॉलेज का नाम PMI से शुरू होता है भाई, PMI से जिस भी कॉलेज का नाम शुरू होता है, आप अपना देख लीजिए, अगर आपके कॉलेज का नाम PMI से शुरू हो रहा है तो उस कॉलेज में बाबू आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल फ्री होता है, ठीक है, हॉस्टल फ्री होता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे कोर्सेस है, रेडियोलॉजी में लगभग 4 या 5 कॉलेज जो भी है वहाँ पे हॉस्टल है, ओटी में भी जो PMI से शुरू हो रहा है, ये नया कॉलेज है बाबू, ठीक है, PMI 2021 में पारा मेडिकल के साथ जुड़ा, ये सारे नए कॉलेज है। और जो भी नए कॉलेज है उसमें आपको हॉस्टल मिल जाता है। जो देखो भाई, सारे कॉलेज में आपको आने वाले समय में फ्यूचर में हॉस्टल मिलेगा। अब जहाँ भी जाइएगा ना तो देखिएगा बिल्डिंग बन रहा है, तो बन इसलिए रहा है क्योंकि आने वाले समय में आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादातर PMI से जो भी कॉलेज होता है सब कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अनस्थेसिया का बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे पिछले वर्ष, तो स्टूडेंट ने बताया कि जो भी PMI से शुरू होता है कॉलेज, उस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाता है और फ्री होता है। अब थोड़ा सा मेस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो मेस का चार्ज कितना लगता है उसको भी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। जो भी है हर कोर्स में है बाबू हॉस्टल, ठीक है, पर सारे कॉलेज में नहीं है। जो PMI से कॉलेज शुरू होगा ना, उस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा और हॉस्टल फ्री होता है आपके लिए। और एनएम और जीएनएम के कोई भी कॉलेज है तो वहां पे आपको हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा मैं मेस के बारे में बात कर लूं कि मेस का चार्जेस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं मेस के बारे में बात कर लेता हूँ कि मेस के चार्जेस क्या होते हैं। चलिए भाई, और देखो भाई, पहले हमारा क्या था बाबू, ECG कोर्स, ब्लड ट्रांफ्यूजन कोर्स, ये सब जो था ना, और जैसे अनस्थेसिया कोर्स पहले नहीं था पैरामेडिकल में, ये सब 2021 में ऐड हुआ है। एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर अनस्थेसिया कोर्स बढ़िया है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा 2 मिनट का, एक बात सुनो भाई, पैरामेडिकल में जिसको मिल गया ना, चाहे वो प्लास्टर टेक का हो या कोई भी कोर्स हो बाबू, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट आपको करवा रही है ना, तो इसके पीछे कुछ ना रीजन है, जरूर वैकेंसी जाएगी, आप टेंशन इतना मत लीजिए। अगर देखो भाई, आप लोग बोल रहे कि सर ओटी बढ़िया है कि अनस्थेसिया बढ़िया है, ऐसे वीडियो में बना दूंगा भाई, अनस्थेसिया भी खराब नहीं है, जिसको अनस्थेसिया मिला ये ओटी बाबू है ना, ये कोई भी कोर्स, ये जो डिप्लोमा का कोर्स है बाबू, ये अनस्थेसिया 2021 में जुड़ा है बिहार पैरामेडिकल के साथ। अनस्थेसिया और ओटी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, दोनों को साथ में अटैच करके पढ़ाया जाता है। ओटी खराब नहीं है बाबू, ओटी तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर है, जो ऑपरेशन को क्लीन करके रखता है, वो सारा कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा। तो ऑपरेशन थिएटर भी बढ़िया है, अनस्थेसिया में इसलिए समझा रहा हूँ, ये अनस्थेसिया में मरीज को सुन करने का काम करता है, और अनस्थेसिया में जो मरीज को बेहोश करना और कोई पार्ट को सुन करने का काम करता है। सोचो भाई, अगर 1000 वैकेंसी इसका निकला ओटी का, और अगर 1000 वैकेंसी अनस्थेसिया का निकला, तो समझ लो कि जॉब किस में जल्दी लगेगा। अब अनस्थेसिया जल्दी लोग करते नहीं हैं, तो अब देखो बाबू, अगर अनस्थेसिया का 1000 वैकेंसी निकला और इसमें पता चला कि 800 स्टूडेंट है, सबके नौकरी मिल जाएगा, और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऐसा मत सोचिए बाबू कि ओटी बढ़िया कोर्स है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए, अनस्थेसिया भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, सारे कोर्सेस पैरामेडिकल में बढ़िया है, जो भी आपका 17-18 को कोर्स है, 20 को जो भी है, सारे कोर्स बढ़िया है। ECG भी बढ़िया है, ECG भी बहुत अच्छा कोर्स होता है।
तो जो भी कोर्स आपको मिला है आपको कर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोल रहे थे पर्सनली व्हाट्सअप करके कॉल करके, सर छोड़ दे सर ऑर्थोपेडिक्स मिला है, सर छोड़ दे ये वाला मिला। भाई सबका डिमांड है, और अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बेरोजगार नहीं रहिएगा, थोड़ा सैलरी कम रहेगा स्टार्टिंग सैलरी, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ओटी बढ़िया है, रेडियोलॉजी बढ़िया है, लैब बढ़िया, सब कोर्स अच्छा है। आप मन लगा के अच्छे से कंप्लीट करिए कोर्स को। जिसको नहीं मिला है ना बाबू, कहते हैं ना मिल जाए, देखो बाबू जिसको मिल गया ना वो कोशिश करता है कि हमको ये मिल जाए, जिसको नहीं मिला ना उससे पूछो, वो चाह रहा था कि हमको एनेस्थेसियो मिल जाता। तो सारे कोर्स बढ़िया है, जो भी कोर्स आपको मिला है मेरे शेरशेरनियों आंख बंद करके कर लीजिए। पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है। निगेटिव निकालोगे तब तो हर चीज में निगेटिव निकलेगा। निगेटिव सोचते कैसे हो यार तुम लोग, ये समझ में नहीं आता है। निगेटिव मत सोचो भाई, ठीक है, इतना नहीं सोचना है। जो मिला है उसको करिए ना बढ़िया से, काहेला इतना सोच रहे हैं। अरे मिल गया है कोर्स करिए, जो भी कोर्स मिला है। तो आप लोग निगेटिव सर इसका स्कोप नहीं है, पैसा कम देगा, वैकेंसी आता है कि नहीं आता है, अरे वैकेंसी जरूर आएगा, कोर्स करिएगा। आज नहीं आएगा दो साल बाद आएगा, पर आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता है। एनेस्थेसिया का वैकेंसी नहीं आता है, और एनेस्थेसिया करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, चाहे कोई भी कोर्स हो बाबू, बहुत सारा कोर्स है। तो सब के कि नहीं फार्मेसी करेंगे, रेडियोलॉजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, सब कोर्स बढ़िया है पैरामेडिकल में, सब कोर्स बढ़िया है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा मेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी कॉलेज मत छोड़ो भाई, जो भी कोर्स आपको मिला है कंप्लीट करिए। हाँ आपका ड्रीम्स था कि नहीं फार्मेसी करना है तो फिर एग्जाम दे लीजिएगा, और जब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो फिर इसको लीव कर जाइएगा। अब करना ही नहीं तो फिर दिक्कत है बाबू, आज मिला है कल नहीं हो मिल सकता है, तो जो मिला है उसको कर लीजिए। चलिए जीएनएम की बात करें सबसे पहले हम लोग, कि जीएनएम में मेस चार्ज कितना लगता है। सबका अलग अलग होता है बाबू, पर मेस चार्ज आपको कितना लग जाएगा, मेस चार्ज की बात करूं मैं तो मेस चार्ज बाबू आपको 2400 रुपया से लेकर लगभग लगभग 3200 रुपया तक मेस का चार्ज वन मंथ का लगेगा, वन मंथ्स का, ठीक है, एक महीने का आपको लग जाएगा, एक महीने का। ये तो जीएनएम वालों का हो गया। अगर आप एनएम वाले हैं तो एनएम वालों का कितना लगेगा, एनएम वालों का मेस चार्ज मैं बात करूँ, मेस चार्ज तो एनएम वालों का बाबू 2200 रुपया से लेके 2200 से लेके आप लोगों का 2600 तक लग सकता है, ठीक है, 2200 से 2600। अब बात करें फार्मेसी वाले का, फार्मेसी कोर्स का, फार्मेसी तो फार्मेसी वाले का भी बाबू 2600 रुपया से लेके 3200 तक, 3500 तक भी लग सकता है किसी किसी कॉलेज में, जो बढ़िया टॉप का कॉलेज है, ठीक है। ये तो फार्मेसी। अब जो अदर कोर्स है बाबू, जिसमें कि सारा आ जाएगा, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, सारा कोर्स जो बच गया, जो अदर कोर्स है जितने भी हैं, उसमें भी आपको बाबू 2600 रुपया से लेकर 3200 रुपया तक देखने को मिल जाएगा। ये मंथली होगा, ठीक है, इतना ही लगभग रहेगा, इसके अंडर में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जीएनएम वालों का कितना लगेगा, 2400 मिनिमम लग सकता है, अधिक से अधिक 3200 तक लगेगा, वन मंथ का, एक महीने का। एनएम वालों का 2200 रुपया से लेके 2600 तक लग जाएगा। फार्मेसी वाला में 2800, 3000, 3200 भी कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं 3300, 3400 तक हो जाएगा इस वर्ष। अदर कोर्स में बाबू जैसे डीएमएलटी हो गया, ओटी हो गया, का जितना भी कोर्स है, ईसीजी, एनेस्थेसिया, जितना भी कोर्स बच गया बाबू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जितना भी कोर्स आपका एक्सरे हो गया, तो सारे कोर्सेस में 2600 से लेकर 3200 रुपए तक आपको वन मंथ यानी एक महीने का लगेगा, ठीक है। अब बात करते कि सर स्कॉलरशिप भी मिलता है क्या, तो जी हाँ स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है भाई। देखो अगर आप लोग प्राइवेट से करोगे तो जीएनएम करने में 6-7 लाख लगता है, प्राइवेट से लगता है कि नहीं लगता है, और अगर आप गवर्नमेंट से करोगे तो कितना लगेगा, 0 रुपया, 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, फ्री होता है। हॉस्टल भी आपको फ्री मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हॉस्टल भी फ्री मिल रहा है। अब खाली खाने का पैसा लग रहा है, तो खाने का पैसा तो हर जगह लगता है बाबू, जो नेवी है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, या फिर जो भी है, डीएम है, एसपी है, सभी लोगों को खाने का पैसा देना पड़ता है भाई। चाहे आप बिहार पुलिस में भी जॉब करिएगा तो वहां पर भी आपके खाने का कटेगा, मेस चार्ज कटता है कि नहीं कटता है, तो मेस चार्ज तो हर जगह कटेगा ना भाई, कोई भी है तो मेस चार्ज कटेगा। आपका खाने का पैसा सरकार तो नहीं देगा, आप भोजन खाओगे तो फिर सरकार क्यों पैसा देगी, तो अपने खाने का पैसा आपको खुद देना है, तो मेस चार्ज लगेगा बाबू। अब देखो बाबू जीएनएम वालों को स्कॉलरशिप 1500 से लेकर 2000 तक लगभग मिल जाता है, ये मंथली मिलता है, ठीक है, पर ये मंथली सरकार नहीं देती है। कुछ कुछ कॉलेज आपको मंथली भी दे देगा, कुछ कुछ कॉलेज आपको 6 महीने पर देगा, कुछ कुछ कॉलेज
कंप्लीट होने के बाद कोर्स देगा। तो मान सकते हो कि 1500 से 2000 आपको मंथली सरकार स्कॉलरशिप स्टाइफंड प्रोवाइड करती है। और आपको लग कितना रहा है बाबू, लग रहा है 2400, मिल रहा है 1500, तो 1000 ना घरे से लगेगा। 1000 रुपया हर महीना में दोगे, हॉस्टल फ्री है, एकदम मौज की जिंदगी है, मजा से पढ़ोगे जीएनएम कोर्स और कोई पैसा भी नहीं लगेगा। और प्राइवेट से करोगे तो 6 लाख 7 लाख लगेगा, वो तो खाली फीस है, इस पर खाए के अलग खर्चा है, हॉस्टल के अलग खर्चा है, 10 लाख के पार हो जाएगा। और गवर्नमेंट से करोगे तो 1000 महीना के खाली खाए के, 1500 तो सरकार दे ही देगा, 2000 लगभग। ये क्या स्कॉलरशिप सबको मिलता है, तो जीएनएम वालों को भी मिलता है, एनएम वालों को भी 1500 तक मिल जाएगा, और बॉयज को भी मिलता है, ठीक है, बॉयज को भी मिलेगा, गर्ल्स को भी मिलेगा, सारे लड़के को भी मिलेगा, लड़की को भी ये स्कॉलरशिप स्टाइफंड 1500 रुपया मिल जाता है, ठीक है, महीने का, ठीक है। तो बहुत कम फी में बाबू गवर्नमेंट से आप लोग कर सकते। फी कहाँ लगता है बाबू, खाने का पैसा तो हर जगह लगेगा, कोई भी नौकरी करिएगा तो वहाँ पे मेस चार्ज कटेगा, चाहे आप कितना बड़ा भी नौकरी करिए, मेस चार्ज कटना ही कटना है, तो मेस चार्ज तो हर जगह लगता है, तो यही मेस चार्ज है आपका, खाने का पैसा लगेगा, और बाकी वही एग्जाम उग्जाम होगा तो 1000 रुपया लगेगा, तो मुश्किल से तो बहुत ही कम खर्च नहीं बोल सकते, ये फ्री होता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो 2024 का हमारा बैच भी है बाबू, देखिए एक मिनट, सफलता बैच आप लोगों को दिख रहा होगा, जो भी 2024 की तैयारी करना चाहते हमारे साथ जुड़ के कर सकते बाबू। इस वर्ष कितना रिजल्ट हमने प्रोवाइड किया है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट, अगर आपके भाई बहन है, छोटे कोई भी रिलेशन में है जो तैयारी करना चाहते हैं राठौर एजुकेशन के साथ जुड़ के, 513 रुपये फी है, देखिए यहाँ पे इस कोर्स को, सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा राठौर एजुकेशन पॉइंट, इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लीजिएगा। और जिनको कोर्स खरीदने नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, जिनको ऐप डाउनलोड करके कोर्स खरीदने नहीं आता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर डायरेक्ट आप लोग पेमेंट कर सकते हैं या इंक्वायरी ले लीजिए। तो जो लोग भी चाहते हैं बाबू कोई भी कोर्स करना, डिप्लोमा का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, कोई भी कोर्स बाबू, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, फार्मेसी, जीएनएम, एनएम, कोई भी कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 2000 आपको पैरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पैरा मेडिकल का क्या देना होगा बाबू, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और क्वालिफाई करना होगा। इसमें सीट भी बहुत है बाबू, 4500 सीट एनएम का है, जीएनएम का भी 1500 है, 2800 सीट सारे कोर्सेज को मिला कर है, तो सीट बहुत है बाबू, अगर अच्छा से पढ़िएगा तो पैरा मेडिकल निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो 513 रुपया लगता है, पैरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन कहां पे होती है, कोई भी स्टूडेंट से पूछिएगा तो एक ही नाम है पैरा मेडिकल में, वो है राठौर एजुकेशन पॉइंट, नाम ही काफी है पैरा मेडिकल में। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हो बाबू, फुल सिलेबस की तैयारी, फुल कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी यहां से, तो तैयारी करना चाहते हैं तो 95 70 64 25 12 इस नंबर पे बाबू आप लोग व्हाट्सअप करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सअप जो भी करना है करके ले सकते हैं जानकारी, ठीक है। और आपका क्लास स्टार्ट हो गया है इसी मंथ से 27 तारीख से, तो जो भी करना चाहते कर सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लास करना चाहते तो यूट्यूब पे 7 बजे और 8 बजे लाइव क्लास का टाइमिंग है, कितने बजे, 7 बजे और 8 बजे आपका यूट्यूब पर लाइव क्लास का टाइमिंग है। तो जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ है तो 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए। पैरामेडिकल का सफलता बैच लॉन्च भी कर दिया है मैंने, क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, तो अगर आपका भी ड्रीम्स है 2024 में फोड़ना पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स को बाबू, तैयारी सब लोग एक ही करेंगे पैरामेडिकल का, उसके बाद आपका रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होता है उस कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप काउंसलिंग करवाएंगे वही कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग भी पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ जाइए, हमारा बैच शुरू हो गया है। और 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, सिलेक्शन की 100% गारंटी रहेगी। चलिए फिलहाल आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।